बायोस्टार मदरबोर्ड का नया वर्जन 360 BTC Pro 2.0 मदरबोर्ड, जिसकी बायोस सेटिंग्स काफ़ी अटपटी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम उसका माइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तब काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम है कि बायोस की सेटिंग्स सही ना होने के कारण कुछ कार्ड उनके माइनिंग के लिए चलते हैं, कुछ कार्ड डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं और या तो कोई एरर शो कर जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपको इस मदरबोर्ड की बिल्कुल परफेक्ट बायोस सेटिंग करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको TB360 बायोस्टार का BTC Pro 2.0 मदरबोर्ड की पूरी बायोस सेटिंग जो कि माइनिंग के लिए यूज़ होने वाली है वो पूरी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये है बायोस्टार का TB360 BTC Pro 2.0 मदरबोर्ड, ये स्पेशली माइनिंग के लिए बना हुआ है। और सबसे पहले इसका हम सपोर्ट देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें सपोर्ट करेगा। इसमें 9th या 8th जनरेशन का इंटेल कोर TM प्रोसेसर सपोर्ट करेगा। आप इसमें i3, i5, i6 कोई भी लगा सकते हैं। अगर आप माइनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें 4GB की DDR4 RAM लगा सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इसमें दो पावर सप्लाई सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर दो 24 पिन के यहाँ पर कनेक्टर दिए गए हैं, जिसके अंदर आप दो पावर सप्लाई से एक ही मदरबोर्ड को आप सप्लाई दे सकते हैं। इसमें VGA पोर्ट दिया गया है और HDMI कन्वर्टर भी इसमें सपोर्ट करता है। टोटल इसके अंदर 12 PCI स्लॉट दिए गए हैं, जिसमें से 11 PCI x1 और 1 PCI Express x16 स्लॉट दिया गया है, जिसके अंदर आप टोटल 12 ग्राफिक कार्ड इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम इसकी बायोस की सेटिंग देख लेते हैं कि आप अपने मदरबोर्ड को जब माइनिंग के लिए चलाना चाहते हैं तो आपने क्या क्या सेटिंग करनी ज़रूरी होती है। आपके मदरबोर्ड के बायोस को ऑन करने के लिए आपने या तो जब आपका कंप्यूटर आपका PC जब बूट हो रहा होता है तब आपने रीड बटन को प्रेस करता रहना कंटिन्यू, या तो फिर आप F12 दबा करके अपने बायोस के इस मेन्यू के अंदर आप आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने एक चीज़ ध्यान में लेनी है कि आपकी जो सिस्टम डेट और सिस्टम टाइम है वो आपके टाइम जोन के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब माइनिंग कर रहे होते हैं तो आपके सिस्टम का टाइम और आपके पूल का टाइम दोनों अलग हो जाते हैं और जिसके कारण आपके शेयर है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए आपने यहाँ पर अपने सिस्टम डेट और सिस्टम टाइम दोनों को आपके टाइम जोन के अकॉर्डिंगली आपने करना है। अगर आप एशिया में हैं तो आपने कोरियन टाइम जोन के हिसाब से अपनी टाइमिंग सेट करनी है, और आप अगर यूरोप में हैं तो लंदन टाइम के हिसाब से, और अगर आप अमेरिका के अंदर हैं तो आपने न्यूयॉर्क के टाइम जोन के हिसाब से आपका टाइमिंग सेट करना है। बायोस के अंदर टोटल 7 प्रकार की यहाँ पर मेनू आपको दिखेगी, जिसमें से हमें जो काम में लेने वाले मेनू हैं वो सिर्फ 3 ही हैं, एडवांस मेनू, चिपसेट मेनू और बूट मेनू। हम इन 3 मेनू के अंदर ही कुछ फेरफार करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, जिसके कारण आपकी बायोस की सेटिंग है वो माइनिंग के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं एडवांस मेनू के अंदर। एडवांस मेनू के अंदर टोटल 7 से 8 प्रकार की सेटिंग करनी है, जिसके अंदर सबसे पहला है आपका CPU कॉन्फ़िगरेशन। CPU कॉन्फ़िगरेशन C6DRAM आपको एनेबल करना है। दूसरा, आपने ACPI सेटिंग्स के अंदर रिस्टोर AC पावर लॉस को आपने पावर ऑन करना है। कभी कभी ये पावर ऑफ होता है तो आपने इसे पावर ऑन करना है, जिसके कारण आपकी जब बिजली चली जाती है और बिजली जब वापस आती है तब आपकी माइनिंग रिग है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। तीसरा, आपने यहाँ पर CPU स्मार्ट फैन 1 कंट्रोल को ऑटो करना है यहाँ पर। चौथा, आपने शटडाउन टेम्परेचर को यहाँ पर डिसेबल करना है। पांचवा, आपने यहाँ पर लेगेसी USB सपोर्ट आपने एनेबल करना है। अगर आप यहाँ पर अपनी बूटिंग ड्राइव के तौर पर अगर USB यानी कि पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो आपने लेगेसी USB सपोर्ट एनेबल करना है। अगर आप SSD या हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसके हिसाब से अपनी सेटिंग रखनी है। छठा, आपने अगर आपके बायोस के अंदर 4G डिकोडिंग का ऑप्शन है तो उसे आपने एनेबल करना है, बाय डिफ़ॉल्ट वो डिसेबल रहता है तो आपने इसे एनेबल करना है। सातवां, आपने यहाँ पर USB फ्लैश ड्राइव PMAP को ऑटो मोड पर रखना है। तो ये थी हमारी एडवांस मेनू के ऑप्शंस जो कि हमने सेट करना है। और अभी हम चलते हैं अपने चिपसेट मेनू के अंदर। चिपसेट मेनू के अंदर आपने टोटल 4 प्रकार की सेटिंग करनी है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें माइनिंग मोड जो है वो उसको इनेबल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल ही होता है, लेकिन आप अगर इसको डिसेबल देखें तो इसे इनेबल कर दीजिए, क्योंकि माइनिंग के अंदर ये एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर।
कि नॉर्मली अगर आप इसे माइनिंग मोड को अगर इनेबल करते हैं तो तकरीबन तकरीबन जो भी सेटिंग्स होती है वो ऑटोमेटिकली माइनिंग के हिसाब से हो जाती है। दूसरा, सिस्टम एजेंट ऐसे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने इंटरनल ग्राफिक्स को आपने इनेबल या डिसेबल अपने जरूरत के हिसाब से करना है। वो कार के ऊपर डिपेंड है आप कौन से ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ कुछ ग्राफिक कार्ड ऐसे होते हैं जो आपके इंटरनल ग्राफिक्स को अगर इनेबल करते हैं तो रन करते हैं, और कुछ ग्राफिक कार्ड इंटरनल ग्राफिक्स अगर आपका डिसेबल होगा तब जाके वो माइनिंग करते हैं। तो वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आपके ग्राफिक कार्ड है वो कौन से सेटिंग के ऊपर सूटेबल है। तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पर इंटरनल ग्राफिक्स को इनेबल और डिसेबल आपने उस हिसाब से करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपने यहाँ पर एपर्चर साइज 256 MB है। अगर इस सेटिंग्स के ऊपर आपकी माइनिंग सही से काम नहीं करती है तो आपने इसे 1024 MB रखना है। नेक्स्ट, आपने यहाँ पर प्राइमरी डिस्प्ले है वो IGFX अगर सिलेक्ट किया है, और आपने अगर एक्सटर्नली कोई ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल किया है तो उस ग्राफिक कार्ड से आपकी डिस्प्ले नहीं आएगी। तो अगर आपने ग्राफिक कार्ड से डिस्प्ले लेनी है तो आपने यहाँ पर प्राइमरी डिस्प्ले को यहाँ पर PCIe ग्राफिक्स या तो फिर ऑटो मोड के ऊपर रखना पड़ेगा। उसके बाद एक लास्ट सेटिंग है यहाँ पर मैक्स लिंक स्पीड की। ये आपने यहाँ पर ऑटो में आपको बाय डिफॉल्ट नजर आएगी, लेकिन आपने जब माइनिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर Generation 1, Generation 2 या Generation 3 तीनों में से कोई भी एक सेटिंग करनी पड़ेगी। वो आपके सेटिंग के ऊपर निर्भर है कि आपके कार्ड कौन सा जनरेशन सपोर्ट करता है, तो वो भी आपने यहाँ पर ट्राई करना है Generation 1, Generation 2 और Generation 3। तो मैक्स लिंक स्पीड आपकी Generation 1, Generation 2 और Generation 3 तीनों में से कोई भी एक हो सकती है। PCI Express कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने जितने भी PCI पोर्ट है उन सभी को आपने इनेबल कर लेना है, और PCI स्पीड आपने ऑटो पर रखनी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, लेकिन आपने एक बार इसे चेक कर लेना है कि ये सही सेटिंग्स पे है या नहीं। अभी चलते हैं हम अपने बूट मेन्यू के अंदर, जिसमें टोटल हमने 4 सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले हमने सिक्योर बूट अगर आपका इनेबल है तो उसे डिसेबल करना है, फास्ट बूट अगर आपका इनेबल है तो उसे भी डिसेबल करना है, उसके बाद CMS सपोर्ट आपका डिसेबल रखना है, और चौथा आपका बूट ऑप्शन UEFI या USB फ्लैश रखना है। जब आप अपनी बूटिंग ड्राइव के तौर के ऊपर USB या आप फ्लैश ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तब, अगर आप SSD या हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपना बूटिंग ऑप्शन उस हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ पर अपनी बूटिंग प्रायोरिटी भी दे सकते हैं, लेकिन माइनिंग के अंदर बूटिंग प्रायोरिटी नहीं होती है। माइनिंग के अंदर सिर्फ एक ही ड्राइव से हम बूट कराते हैं, तो जो भी ड्राइव आप बूट के लिए रखते हैं उस ड्राइव को यहाँ पर आपने बूटिंग ऑप्शन के अंदर देना है। इसमें से बाकी आपने कोई भी सेटिंग्स को नहीं छेड़ना है, और लास्ट में आपने सेव एंड एग्जिट हो जाना है। जब आप अपने चेंजेस को सेव करने के लिए F10 दबाते हैं तो आपको दो मेनू यहाँ पर दिखाई देंगे, डिस्कार्ड चेंजेस एंड एग्जिट और दूसरा सेव चेंजेस एंड रीसेट। तो आपने यहाँ पर सेव चेंजेस एंड रीसेट करना है और आपके BIOS की सेटिंग को सेव कर लेना है। इस सेटिंग्स के ऊपर फिर भी अगर आपकी माइनिंग नहीं चल पाती है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी BIOS की सेटिंग वापस से डिफॉल्ट कर लूँ, तो आपने एक काम करना है, आपने अपना CMOS बैटरी को आपके मदरबोर्ड के अंदर जो CMOS बैटरी लगी है उसको आपने निकालना है और वापस से डालना है, तो आपकी जो भी BIOS की सेटिंग है वो वापस से बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, इसके अंदर आपने ESD का ख्याल रखना है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर कुछ स्टैटिक चार्ज होता है वो स्टोर होता है। तो सबसे पहले आपने इसे ग्राउंडिंग करना है या डिस्चार्ज करना है, उसके बाद ही आप अपनी CMOS बैटरी को रिमूव करें और दोबारा लगा दें। तो ये थी BIOSTRUCK की 360 BTC Pro 2.0 मदरबोर्ड की BIOS की सेटिंग माइनिंग के लिए। अगर इसमें भी आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी वीडियो लेकर के। तब तक के दोस्तों, जय हिंद।